तो वीडियो की शुरुआत होती है जहाँ पे अर्जुन भाई जो कि अपना अमेरिका में इस कॉलेज में अपना एडमिशन के लिए कल टेंशन ले रहे होते हैं कि उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एडमिशन हो जाता डियर है। अर्जुन, शिट, ये बोलिया काय? डियर अर्जुन, वी टेक ग्रेट प्लेजर इन वेलकमिंग यू टू द क्लास ऑफ 2026। तभी उनके घर से बहुत लड़ाई झगड़े की झंझट आती है, तो वो घर जाते हैं। घर जाने पर उन्हें पता चलता है कि उनका जो बड़ा भाई है जिसका नाम सचिन है, उसने एक विनोद के साथ में अपनी कंपनी स्टार्ट किया था, वो कंपनी में उसे धोखा देके बाहर निकाल दिया गया है। अब जिस कारण बेचारे सचिन और सचिन को तो धोखा तो मिला ही, लेकिन अर्जुन को भी अमेरिका जाने का ख्वाब ख्वाब ही रह गए। यहाँ अर्जुन भाई और उनके गर्लफ्रेंड दोनों मिलकर सोच ही रहते हैं, तब तक पता चलता है कि उनका भाई जो काम कर रहा था वो लोग में काम करे तो उनका काम बन सकता है और वो अमेरिका अभी भी जा सकते हैं। बताओ, ऐसी गर्लफ्रेंड हमारी भी होनी चाहिए? बताओ, मेरी वाली तो काट के चली गई, सॉरी, नो पर्सनल। लेकिन जब सचिन आके देखता है तो देखता है कि उसके सारे काम को इतने लोगों ने अच्छे से काम किया, तो वो लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी मेरा काम कर दो, अगर तुम कर दोगे तो मैं फंडिंग उठा के तुम लोगों को अमेरिका भेज दूंगा, मेरे यहाँ कंपनी सेटल हो जाएगी। बताओ, इतना शरीफ भाई भी होते हैं मामू? अरे वो मेरे को ही फंडिंग उठाना था, चलिए हम लोग भी लेते हैं शार्क टैंक में। तभी ये लोग भी अपने कंपनी के ऊपर काम करना चालू कर देते हैं और कंपनी का नाम पड़ता है यू सेंस। बताओ, कॉमन सेंस यहाँ है नहीं, सॉरी मामू, आपको नहीं बोल रहा था, मतलब कि कॉमन यू सेंस नाम पड़ता है जिसके अनुसार होता है कि आपके दिमाग में जो जितने भी पल्स रेट ये सब काम कर, सॉरी मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया, जितना भी मेरे सिचुएशन के हिसाब से होता है, जैसे मैं अभी बोल रहा, बकर बकर कर रहा हूँ या जो भी करते रहता हूँ अपने हिसाब से, जिस वजह से उस हिसाब से तुम्हारे कान में गाना बजेगा, एड्स आएंगे, सब सारे चीज़ होंगे, लेकिन बात किसी को समझ नहीं आती, लेकिन समझा देते हैं। फिर इधर वो लोग सभी ऐप पे काम करते ही रहते हैं, तब तक पता चलता है कि भाई की जो गर्लफ्रेंड थी उनका भी अमेरिका के कॉलेज में हो गया। बताओ यार, अमेरिका में होते जा रहा है, हम भी जा रहे हैं भाई, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम भी जा रहे हैं, अब देने जा रहे हैं एग्ज़ाम। ये तो अच्छी बात है ना। तो बड़ा भाई जो सचिन था वो दिमाग लगाता है, वो जाता है अपने विरोधी पार्टी विनोद में, उसमें उनका जो दोस्त रहता है उससे मास्टर कार्ड लेके आता है कि जितना भी कोई मेहनत ना करना पड़े, आराम से कोडिंग जो हो जाए अपने आप निकल के आ जाए। अब इस कोड का क्या लफड़ा होगा पता नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कि जैसे मेरी वाली काट के गई, ये भी इसका काट के जाएंगे। सॉरी, फिर से पर्सनल चल जाता हूँ, कभी कभी मैं बहकावे में बह जाता हूँ, माफ़ करना इसके लिए। उनका मास्टर जो था वो काम करने लगता है, तो ये लोग थोड़ा सा अपने अपने मोटिवेशन करने के लिए बातचीत करने लगते हैं कि दोनों के बीच में बनने लगती है, अभी वो लोग दोनों लड़ाई नहीं कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर जनरल यूज में आया, तब एक बंदे ने सोचा कि ऑनलाइन बुक्स बेचता है। लोगों ने कहा कि क्या अजीब है, बुक स्टोर तो अवेलेबल है ना, फिर ऑनलाइन बुक्स क्यों खरीदे? हल्के हल्के लोग यूज टू हो गए एंड इवेंचुअली ऑनलाइन शॉपिंग से कंफर्टेबल हो गए, और आज देख, फोन से लेके कच्चे तक हम सब ऑनलाइन मंगवाते हैं यार। सुबह होने पर पता चलता है कि जितना भी वो मास्टर कार्ड था वो तो क्रैश हो गया, अब इनका तो लग गए, हाथ में कुछ नहीं बचा, घंटा निकला है हाथ में। जब कुछ हाथों में कुछ नहीं आता तो बेचारा रोग आके अंत में घर पे चला जाता है। घर पे जब वो सुबह उठते हैं तो सामने में अपने पिताजी से होता है, पिताजी से थोड़ा मोटिवेशन का ज्ञान आने पर पता चलता है कि नहीं, मेरे पास तो एक आइडिया है, क्योंकि भाई ये हीरो है भाई। और यहाँ पर इंडा में जुगाड़ तो चलते ही रहता है, तो उनके जो हार्ट बीट पे वॉच रहता है उनसे उनको साइंस के बारे में पता चलता है, और उसी से वो एक नए कंपनी को इन्वेंट करते हैं कि नहीं भाई, मैं इसी से काम करूँगा और इसी से सारा चीज़ यूज़ करूँगा। अब पिताजी के मोटिवेशन देने पे जब वो मोटिवेट हो जाते हैं तो यहाँ वहाँ पर आते हैं और ये दोनों मिलकर एक नया स्कीम यूज़ करते हैं, और ये दोनों का दोनों काम भी कर जाता है। और फिर क्या है, फिर आ जाता है जिस दिन हम लोगों पे अपने आप को पिच करना रहता है। पिच करने के लिए वो लोग यहाँ पर तो जाते हैं अपने जहाँ पर लगता है, मैं अभी तक पिच करने नहीं गया हूँ। मामू, हमारा मॉडल कब तक तैयार होगा?
अब सचिन भैया का टीम और सामने में विनोद जो उनका दुश्मन था जिसने स्नूकर निकाल दिया था, वो दोनों की टीम ने सेम नाम का पिच किया था, यूसेंस। भाई दोनों को दोनों नाम चेंज किए, प्रोडक्ट भी सेम किए, अब इनका कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन उसने और दिमाग लगाया, कह दिया कि वो लोग पहले आएंगे, इन लोगों ने थक मार के चल गए बाहर तभी। लेकिन इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो तो खुश थी, वो आई, कहे कि नहीं नहीं बेवकूफ़ो, जो उनका प्रोडक्ट है वो तो फेल हो गया, अब आओ, अब बच गए ये। अब तो भाई सीरीज को ख़त्म करना है तो कुछ ना कुछ तो इन्हें जिताना पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ होशियार था, एक सस्ता सा जोक मार जाता है जहाँ पर पता चलता है कि ये लोग गो का प्रोडक्ट नहीं कोई लेगा, लेकिन हाँ जब ये लोग बाहर निकल कर थक हार जाते हैं अब कुछ नहीं होने वाला, अंत में आकर इसके प्रोडक्ट को ले लिया जाता है। और क्या, फिर सीरीज ख़त्म हो जाती है कि भाई लोगों की जीत हो गई, और क्या। लेकिन हाँ, इसको असलियत में मान के मत चलना, इस रियलिटी में ऐसे नहीं होता है। लेकिन हाँ, मोटिवेट हो रहे हो तो हो, और कुछ ना कुछ करो भाई। बहुत लेकिन मुझको ना है गाय, खोटे लोगों की कभी लिया नहीं मैं राय, ले पिचाए मेरा भाई तेरा भाई तेरा भाई, देख गूगल पे जैसे सुंदर पिचाए और ये स्पॉट मेरा, यू कैन कॉल मी शेल्डन कूपर, बोल बच्चन मध्य जाके ले ले तू अब ऊबर, मरने के पहले जाना ऊपर बहुत ऊपर, लेकिन रखता ग्रेटिट्यूड करता रब का बहुत शुक्र। और